بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأعد
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा
लजपाल लजपाल हक्को सदाकत की सदा हक्को सदाकत की सदा हक्को सदाकत की सदा आस्ताना आलिया सियाद शरीफ आस्ताना आलिया बेरा शरीफ अल इस्लाम अल इस्लाम तशरीफ लाते हैं जीनतुल खुदा जनाबे कारी मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहेब तिलावत कलाम मुकद्दस से आज की उससे पाक की पहली नशिस्त का आगाज फरमाते हैं।
فادخلي في عبادي
Allah'a emanet.
हक तो जरा तुम पे करो जे
कितना दिया सरकार ने मुझे, इतनी मेरी औकात नहीं, ये है तो करम है उनका। तमाम सामईन ये बात भी मुझे खातिर रखें कि
कि महफिल सभा में सबसे पहले बाबू को मुकदम करने हैं, और उसके बाद ये बात भी जहन में रखें, अगर आप तोजानो बैठ सकते हैं तो तोजानो बैठ के कवाली सुनना ये भी हमारे मशायख की रिवायत में से है। जनाब हुजूर फरमा रहे हैं कि आप जिस तरह आसानी से बैठ सकते हैं उस तरह बैठें। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक हुसैन साहेब और उनके हमनवा। Yeah।
रास्ता पकड़ज में
तेरा नाम
बेदम साथ में उसके बाद कर दो सो जैसे Thank you.
जगदीशना बटे कर्म कमाए नी भला होवी कखा में चुरुन दे सन बख्त मेरे कखो लख बनाए नी भला होवी मेहरबाना कर्म कमाए नी भला होई कथा विच रुलदे सन भक्त मेरे ते कथो लख बनाए नी भला होई कलर शो सजदे नहीं औरत मंदा दे नाल करते हुए एक मिनट के लिए अपनी माँ हम चूंकि गुलाम हैं हम कमवार करने वाले थे तो उस वादे से एक शेर
गिरफ्तार बागेसुए मोहम्मद से इकदास जिगर सुध पाना पाना बदल जख्मी अबुरुए
रुख पे बसी के साथ दामन से लगाया
बिना दर दरू दी मैनू शर्मिश कर दी आगे Yeah.
वो आज तक हमारे यहाँ माहौल कैसे होता है, हमारे उलमा उस कबूल करते हैं कि कुरान सुन्नत के मुताबिक होती है, इसलिए हम एहतियात करते हैं कि हमारी कोई बात ऐसी ना हो जो शरीयत की मंशा और मिजाज के मैं समझता हूँ अगर कलाम सही दुरुस्त और खुलूस से पढ़ा जाए उसके असरात लोगों के मदद कर, अगर कलाम में ऐसी चीज़ें शामिल की जाए जिसमें सिर्फ खुशामद बनावट उसके असरात मदद कर नहीं। मैं आज की इस महफिल को अगर उसमें कोई अच्छी बातें हुई हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अगर मैं कोई मेयार से नीचे बात है तो मैं उसके अपने रब से माफ़ी का फासला। लेकिन मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क में और इस इलाके में दीन की तबलीग का जो जरिया इख्तियार किया था वो ये, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला जारी भी रहे और इसमें जो कलाम हो वो भी सेहतमंद हो, वो भी दीन की बुनियादी अकदार के खिलाफ हो। इसलिए हम आज की महफिल इसी मौके पे इसी वक्त पे ख़त्म कर लें और कल इंशाअल्लाह नजीस 11 बजे हम फिर इकट्ठे होंगे और उसको तकरीबन जुमे का खुतबा जो है वो यही होगा और आप लोग जब सुबह तशरीफ ले आए तो सारे लोग महफूज हो ताकि हम यहीं बैठ के जुमे की नमाज में शामिल हो जाए और हमारे शाह साहब कबला जो है वो खुतबे वहीं पढ़ेंगे और हम यहाँ उनके साथ नमाज जमात आकर लेंगे उनकी शामिया। असल के बाद ज़्यादा खुशी होगी और रात को जो हमारा तरबियती प्रोग्राम होता है जिसमें उलमा गुफ्तगु करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर बात की जाती है, कल की एक गुफ्तगु में दो बातें खास उनमें से एक ये बात है कि जितनी कल गुफ्तगु होगी वो पूरी दुनिया में किम टी वी के जरिए नश्र, ये एक बात है हमारे लिए क्योंकि हम अपनी तमाम चीज़ें दायरे से बाहर नहीं निकालते, दिल करता कि छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें अगर आम हो जाए तो क्या होता। मैं अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि जब वो ना आए तो मैं क्या हूँ उनका फकत रिच कुत्ते की भेड़ी में नहीं सर्व करना चाहता, मैं उनका फकत मुर्गों की लड़ाई में नहीं सर्व करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो आए और एक अल्लाह के बंदे के दरवाजे पे आए जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने नबी के दीन के लिए सर्व किया है तो उसका कोई सफर होने के वापस आए। इसलिए कल रात का जो प्रोग्राम है उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये सम्मान कर रहे हैं कि जो उलमा गुफ्तगू फरमाए वो पूरी पॉइंट कईम गुफ्तगू आपके लिए नफा बख्श गुफ्तगू जो है वो, और साथ ही हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि कल मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादा नशीन हजरात जो हैं या कोई वलीयत है वो भी तशरीफ ले, हम उनको भी खुश आमदे और परसों फजर की नमाज के बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल ज़िक्र होगी, महफिल दर्स कुरान होगा और उसके बाद फिर 11 बजे 12 बजे शुरू करेंगे और 3 बजे तक प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे बाहर से जो मेहमान तशरीफ लाएंगे वो गवर्नर ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब जो KPK के गवर्नर हैं वो तशरीफ हैं, हमारी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब वो भी तशरीफ लेंगे, हमारे सेनेट के चेयरमैन जो हैं रज़ा रहमानी साहब वो भी तशरीफ लेंगे, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के राजा फारूक कैदर वो भी तशरीफ लेंगे, हमारे मेरी वज़ारत के वज़ीर जो मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब वो भी तशरीफ लेंगे, वो हमारी आखिरी इजलास होगा
दुआओं की इस्तेमाल होगा और हम लोग आपको अल्लाह के सब होते हैं। ये जितना वक्त आपके पास है इसका बेहतर मसरत करें। रातें इसलिए है कि आप आराम करें, लेकिन इन्हीं रातों में रब कहता है मुझे अगर याद करो मैं भी तुम्हारे साथ, मुझसे कोई मांगो तो मैं भी देने वाला हूँ, मुझसे आगे सवाल करो तो मैं भी पूरा कर पाता हूँ। तो रातें आप घर में भी आराम कर लेंगे, बेहतर है कुछ आराम कर लें और कुछ अल्लाह को याद करें, सहरी को जाके ताज्जुद पढ़ें, जिक्र करें, अल्लाह के नबी की बारगाह में जो तजुर्बा पेश करें, ये हमारी साथ है। इंसान घरों में बड़ी मसरूफियतें होती हैं, यहाँ आते ही इसलिए है कि हम दीन सीखने जा रहे हैं, हम अपने नबी का पैगाम सुनने जा रहे हैं। इसलिए बातें मतलब मैं आज की इस महफिल को यही इस्तेमाल करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अगर ये अच्छी है तो इसका सिलसिला जारी है, अगर ये अच्छी नहीं है तो यही कहीं किसी मोड़ पर कक्षा खत्म होती है तो हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ये जारी रहे और इसमें बेहतर से बेहतर चीज़ें जो हैं वो आप तक दुआ फरमाने। अल्लाह ताला हमीद के सदे हमारी साजरी को कबूल फरमाए। मेरे वो दोस्त जो तशरीफ लाए आप मेरी दावत में, मैं उनका भी शुक्र गुजार हूँ। वो हजरात जो आज एक दिन पहले हमारे पास आए मैं उनके लिए भी दुआ दूँ, अल्लाह सब के इरादों में कामयाबियाँ दे, जो वो मकसद लेके आए अल्लाह उसको पूरा फरमाए। खाली दामन है तो मेरा मालिक इन पाक लोगों के सदके उनके दामन को बरकात से खैरात से भर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैर हाज़ल यौम, मेरे अल्लाह आज के दिन की जितनी पाकीज़गी है, आज के दिन की जितनी नेकी है, आज के दिन की जितनी बरकतें हैं, मेरे जो दोस्त आए हैं उनके दामन में डाल, मेरे मालिक जो बख्शा है उसके शुक्र की तौफीक दे और जो कमी है अपनी जनाब से पूरा फरमा। और बुद्धगार हमारे कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा, हमारे मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं उनकी दस्तगीरी फरमा, उनकी गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी गलतियों को बख्श दे, उनके कसूर माफ़ फरमा दे। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वदखिल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिही व असहाबी अजमईन रहमतुहु। जिन लोगों के दोस्त बीमार हैं, कोई अजीज बीमार है, बच्चे बीमार हैं, सबके लिए दुआ अल्लाह हम सब को सेहत कामला व आजिल अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस महफिल को बेहतर करने के लिए जिन लोगों ने जो काविश दी अल्लाह उनकी कबूल फरमाए, उनको रब का करम फरमाए, इस बीमार मुल्क के लिए भी दुआ फरमाए। सारे मखलूक बीमार है तो ये मुल्क भी बीमार है, इसके गली कूचे खून से भरे हुए हैं, इसकी मस्जिदों में से सिसकियाँ होती हैं, इसके स्कूलों में से मासूमों की जो है वो चीखें और आहें सुनाई जाती हैं। दुआ करें अल्लाह इस मुल्क को भी सेहत दे, आफियत दे और खैर के मामलात इसके मुल्क में। सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्की व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमईन रहमतुहु।